आलसी नंबर वन गौरव कपूर, जब भी ये मिलते हैं उसके घर पे जाना पड़ता है चाय पीने, कभी नहीं आता वो, खुद का एपिसोड शूट करना है तो घर पे आया है। इसका भी शॉट ले लेते हैं अगर स्पॉन्सर मिल गया ना। ऑन द फील्ड आलसी नंबर वन सईद खान। मित्सुबिशी गोइंग अप इन अ मित्सुबिशी लिफ्ट। कंजूस नंबर वन आशीष नेहरा। कंजूस नंबर टू विराट कोहली। द ऑर्डर रेल हैंगिंग एंड लाइट्स बाय उषा। जनरस, आई एम द मोस्ट जनरस। इनके सबके खाने की बिल मैं ही देता हूँ। ओह दैट्स हाउ यू मेड मी गो सो यू कैन ड्राइव ऑफ मी। यू थिंक यू आर दी स्मार्ट। Here come the man in black. Okay, let's rewind this a bit. Get the scope back. Little more. Keep going back. In fact, let's take it all the way from the top. There is a rumor that you're a right-hander. Yeah. That's true, right? That's true. We're going to show you off-spin. We're going to show you leg break and seam volley. Now, what do I say about him? What does one say about one of their closest friends anyway? I mean, we've known each other since we were teenagers. We've been brothers, we've been family. We've laughed, we've fought, we've partied, we've danced at each other's weddings. Now, sometimes his humility makes me forget that he's a true champion. One of India's favorite sons. He's big-hearted, a fighter, and a little crazy. The one thing he's not, though, is a cook. But I'm still gonna risk having breakfast with my champion friend, Yuvraj Singh. That's too sweet, man. Let's go have some fun. कौन है? Hi. Selfie. Hi, sister. What is a selfie? It's a young people thing. Welcome. Hi, Sissy. How are you? How are you? Straight into the kitchen. देख सबसे बड़ी problem ये है कि Zack ने जो बोला अपने शो पे कि This is what Zack actually said. I know Yuvraj Singh is definitely not a good cook. He can cook up stories. Yeah, that's what. But actually, उससे पानी नहीं उबलता वो क्या करेगा? पानी उबाल के दिखाएगा. Challenge accepted. पानी है. एक मिनट. Tea, coffee. Is it too? Sir, they can't let it wrong. I can boil water. अभी नहीं वहाँ पे थोड़ा और कर. नहीं बहुत है इतना. अरे bubbles. You should tell him that you can make toast also. नेक्स्ट पानी गर्म हो रहा है, मैं टोस्ट भी बना सकता हूँ. हाँ और फिर राउंड गियर. व्हाट टेक्निक. अच्छा ऑफ किया. अच्छा ज़्यादा गर्म ना हो जाए. हाँ ब्रेड का है. ये ब्रेड कौन सी है? ग्लूटेन फ्री ब्रेड. ग्लूटेन फ्री ब्रेड गत्ता नहीं होता क्या? हाँ जी. कार्डबोर्ड. टुगेदर वी कैन. टोस्टर बंद कर दो. बंद कर दो टोस्टर. मुझे फ्रांस में मैंने इतने अंडे खिलाए हैं, इतने जल्दी ऑमलेट बनाए तो मुझे बोल रहा मैं टोस्ट नहीं बना सकता. शेम ऑन यू. वो तो कह रहा था पानी नहीं उबाल सकता.
इससे पानी नहीं उबलता वो क्या लगे हेल्दी टोस्ट गरम ये तो अभी भी फ्लेक्सिबल है टोस्ट फ्लेक्सिबल ही हो सकता है नहीं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है नहीं पर फ्लेक्सिबल है बादाम और किशमिश लगे हुए ऊपर उनका फ्लेवर ब्रेड के अंदर बादाम और किशमिश तो बिरयानी में भी जाती है वो क्यों नहीं खा रहे Yeah, we have to see that in the kitchen we are not allowed to be unsupervised. Just turn around and see. And the wife is there. I told you, I don't belong in the kitchen. Really? Belong in the open world. I don't belong with the wife, but you don't belong with the wife? What is that supposed to mean? You don't belong with the wife? Well, yeah, that's the problem. You can destroy all England bowlers except this one. तेरे को पता है शादी के बाद इस कप को चेंज करना पड़ेगा मिस्टर रॉन्ग बिकॉज आफ्टर शादी हस्बैंड इज ऑलवेज रॉन्ग अभी तो मेरे दो महीने हुए तेरे को कितने देर होगी मेरे को दो साल हो गए मिस्टर रॉन्ग मिस्टर गेट आउट ऑफ द हाउस मिस्टर स्लीप इन द कार मिस्टर डोंट टॉक टू मी मिस्टर यू कैन टॉक टू मी बट आई एम नॉट लिसनिंग मिस्टर योर रेंटेड रूम इज रेडी मेरे को लगा अगर हम दोनों किचन में रहे और 10 मिनट तो कहीं पूरी बिल्डिंग ना चला दे चले? I think चल देना चाहिए। और ये? I think ये ही काफी है। बोलो हर महादेव, महादेव। Excuse me, is that allowed? Anything is allowed. Internet पे तो सब allowed है। It's वैसे भी normal चीजें हैं। दिखार मारना तो normal चीज है। पता नहीं लोग इतना इसको seriously क्यों लेते हैं? गैस बेकार एसिडिटी नॉर्मल चीज़ें हर बंदे को होती है अपनी कंट्री में पता नहीं क्यों सीरियसली लेते हैं बिकॉज यू आर अ सेक्स सिंबल हम कोई सीरियस बात नहीं कर सकते ना किस लिए बैठे हैं हम यहाँ हमने लाइफ में कब सीरियस बात करी होगी लास्ट अभी तक तो कोई नहीं की आज करनी रहो बता दे कुछ तेरे को लगता है अगर तूने मेरे ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसे मोमेंट शेयर करने हैं जो लोगों को लगे यार बड़े इंटरेस्टिंग है जो हम नहीं भी शेयर कर सकते हैं राइट क्योंकि काफ़ी है जो नहीं भी कर सकते शेयर आई मीन नथिंग रोमांटिक बट अब बता 2011 के बाद विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट इन योर इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड ऑल्सो द कंट्रीज अचीवमेंट आई ऑफ कोर्स नो बट आई एम श्योर पीपल वांट टू नो How can any human being understand the high and the low of that one year? I can't really explain it because it's something which is unheard of. Yeah. It was very hard to digest to win the World Cup and be the man of the series. That's like peaking in your career. Hmm. And then you realize that, you know, you've been diagnosed with cancer and close friends and my parents and relatives actually know what I went through. You sometimes think that why did it have to happen at 29? Why couldn't it have happened, let's say, at 39? I mean, we all hoped and prayed that it never happened, but did you ever think that why did it have to happen at this time? Agar Bhagwan ne likha hi tha mere liye to theek hai, main sahunga usko. Par yaar ye kuch ye kisi aur time bhi kyun nahi ho sakta tha? Abhi kyun jab main matlab Superman hu, invincible hu. Matlab tum soch sakte ho. Did it ever cross your mind? It did. I mean, I know it's a futile thought. Why had to happen? Right. It should have happened earlier. I would have been to bounce back or happen up later. But your destiny is your destiny. What is supposed to happen is supposed to happen. You can't change it. I mean, it's also a blessing that I'm able to play cricket again. Yeah. I mean, it's a huge inspiration to me, to myself, and to people out there who are jo log struggle kar rahe cancer se, whatever. Issues they're facing in life. It's a huge inspiration. It's a great story to be part of. I'm proud to be part of that story. So, that's life, man. Anything can happen. So, it actually humbles you. It actually makes you realize that, you know, dude, anything can happen in life. And you gotta hope for the best and prepare for the worst. And I think I just appreciate life a bit more after that. Everything was cricket, cricket, cricket. Yeah. Now, zindagi, dost, family, I think I look forward to these things in life. I'm married now. I look forward to being married and having a future with my wife.
It was, I can say, a nightmare, a blessing. A huge change. I don't know what it was. It was just something which was pretty devastating, but I'm proud how I came out of it. It's all in 16, 17, yeah, 5 years. Yeah. 5 years, it's been a long time. So yeah, slowly, baby steps. I think it's all about believing in yourself. And it's just... It's been an amazing story to live. थोड़ा लाइटर कर यार, थोड़ा इमोशनल हो गया. थोड़ा इमोशनल हो गया ना. अब वापस टेक टू. अच्छा, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस. तो एक बारी मैं 15 साल पहले जब मैं चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहा था, 15 साल पहले चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहा था. साउंड लाइक 115 साल पहले. एंड यू वर देयर. जो होंडा सिटी होती थी ना उस टाइम पे, करेक्ट, मुझे पिकअप करने आया था. और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने कहा यहाँ नहीं वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर रुके तो परेशान करेंगे लोग, तो यहाँ से निकलते हैं. और फिर हम गए थे किसी गार्डन में, बैठे थे, कोई पार्क था, और वहाँ पे हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक पी थी. रॉक गार्डन. रॉक गार्डन था वो. रॉक गार्डन था या लेजर वैली, आई डोंट रिमेंबर. और फिर हमने क्या किया था वहाँ पे बैठ के? कोल्ड ड्रिंक पी थी हम. कोल्ड ड्रिंक. हाँ. वाज दैट अकॉर्डिंग टू यू आवर फर्स्ट डेट? Yes, of course, sister. That was my first memories of you having cold drink with you. I used to drink Pepsi. What about you? Pepsi. And in case we get some other sponsor, Coke, Tropicana Juice, Nescafe. सब बोल दे. Tata Tea, Taj Mahal Tea, Kellogg's Corn Flakes, Protein Bar, Tang, Cups made by me. इनमें से कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा. वो हम लोग पर कितना चेंज हो गया ना. हम लोग शादी के पहले होती थी पार्टी अगर, तो लेट नाइट तक, और कभी कभी सैटरडे और अगले दिन छुट्टी, और मैच नहीं है और ट्रेनिंग नहीं है, तो हमने कभी कभी सूरज भी उगता हुआ देखा है यहाँ पे. अब 1 बजे के बाद नींद नहीं खुली रहती यार. डॉक्टर डॉक्टर नहीं रहे अब यार, क्या हो गया ये? एज, टाइम, मैरिज. मैरिज बेसिकली, मैरिज. आई थिंक वक्त के साथ आदमी इवॉल्व, हम दोनों इवॉल्व हो गए हैं. पहले एक बहन बिछड़ी, फिर दूसरी बहन उसके पीछे पीछे. सो आई जस्ट फील के हर चीज़ का टाइम होता है यार. हमने 10-15 साल बहुत मस्ती की है अपने दोस्तों के साथ. नाउ वी सेटल्ड. मस्ती तो फिर भी करते हैं. बड़ा थोड़ा सोने का ज़्यादा दिल करता है. थोड़ा नॉन स्ट्राइकर का सोचना पड़ता है इस बार. 35 प्लस पे थोड़ा नींद ज़्यादा आती है. But you're 34. 35. I used to be 34 last year. Really? हमारे कोच कहते थे, अरे भैया कागज पे 15 गए हो तो ग्राउंड में भी दिखाओ. नॉर्थ में एवरेज क्या है वैसे? अंडर 15 क्रिकेट में नॉर्मली 17 से ऊपर का तो कोई नहीं आता था ना. आई वुड से 19. 19 तक आ जाते थे. 15 से 19 में पैकेज कोई भी आ जाता था. नॉर्थ में तो जल्दी ये केस रहता ही है यार. पंजाब की टीम का तो इज अ लिटिल, कहते ना जितना बोलो कम है. पंजाब की टीम स्पेशल है. हमारी पंजाब की जो क्रिकेट टीम है, बहुत इंटेलेक्चुअल लड़के हैं. इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मतलब जिसकी अच्छी इंग्लिश हो ना वो भी भूल जाए. हरभजन सिंह हमारे कैप्टन, तो उन्होंने रूल बनाया था कि सिंस लड़कों की इंग्लिश इतनी जामबाज है, इसे एक्सप्लोर किया जाए. तो हमने रूल बना दिया है कि संडे को इंग्लिश डे होगा पंजाब में. सब लड़के बोलेंगे इंग्लिश, भाई वाह कमाल, यस नो यस नो. तो जैसे ही इंग्लिश डे शुरू हुआ, सुबह उठे नौ भी लड़के कॉरिडोर से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट में मिल जाते हैं. लड़कों ने हेडफोन लगाए हुए सबने. मॉर्निंग बॉयज, मॉर्निंग बाजे, how's it going? Morning, Bajaj. Good English. A match में कुछ अपना बोले. नहीं. तो एक लड़के ने, अब पंजाबी में एक दूसरे को गालियाँ वालियाँ देते हैं माँ बहन की, और मतलब जब भी फील्ड में कैच वैच छोड़ दें. अब फाइन था कि जैसे ही कोई पंजाबी का शब्द बोलना 1000 रुपये फाइन. तो कैच गई ऊपर, तो बैट्समैन ने मारी उसने, भागा उसने,
ऐसे लगी और छोड़ के गया। तो बॉलर उसे कहता है, कहता ओए यू वाओ यो व्हाट कम ऑन। तो इसने कैच छोड़ी, वो कहता है ओ यू ओके टेक गो। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द इंस्टेंसेस दैट इंसिडेंट्स दैट हैपेंड। मेरी पंजाब से टाइम लगते हैं निकालने में। तो ऐसे हमारे बहुत से किस्से होते हैं पंजाब टीम में। मैं आपको थोड़ी क्लिप्स भेज सकता हूं अगर आपको ऐड करनी हो। बिल्कुल। मॉर्निंग गाइस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, 50 रुपीस फाइन। मॉर्निंग बड़ी मॉर्निंग। इट्स ऑल टू हैव यू हियर ऑन संडे आफ्टरनून बिफोर द मैच, बैक टू बैक मैचेस अगेंस्ट दिल्ली एंड हरियाणा, बट वी लॉस्ट द मैच। वी डोंट हैव बैक टू बैक मैचेस, इट वाज वन डे गैप। व्हेयर इज बली? बली गली हैज बीन निकलिंग फ्रॉम पब्लिक गली ऑल द टाइम। हमारी सिर्फ पंजाब टीम ही नहीं, हमारी जो कंट्री के लिए खेलते हैं बड़े बड़े स्टार, उन्होंने भी काफ़ी आइटमें पेश की हैं। रोहित शर्मा 2009 में आईपीएल का इनॉग्रेशन, कहता भाई आप ओपनिंग के लिए नहीं आ रहे? मैंने कहा नहीं है। कहता वो फ्लोरिडा आ रहा है। तो फ्लोरिडा कौन है? कहता मैं वो नहीं है, वो दैट तगड़ा सा आदमी जो गाने गाता रैप। मैंने कहा यू मीन फ्लोराइडा? आपको क्या पता, इस फ्लोरिडा। सो और अब तो हमारे प्रोफेसर यार के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हमको थोड़े साल खेलना है और हम भी चाहते हैं टीम से बाहर। तो मैं बता देता हूँ उनका जोक कि वो फेवरेट क्लब कौन सा है फुटबॉल देखते हो? चेल्सिया। चेल्सिया आओ भाजी, चेल्सिया। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ब्राज़ील की टीम में एक पंजाबी प्लेयर है। तो मैंने कहा पंजाब में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो ब्राज़ील के लिए खेले, इतने भी ब्राज़ीलियंस बुरे दिन नहीं आए। बुरे दिन नहीं आए? कहता नहीं है। मैं कौन? कहता काका। काका हरभजन सिंह हमारे दोस्त, आज के 100 टेस्ट मैच बड़े क्रिकेटर रहे हिंदुस्तान से। लेकिन हरभजन सिंह जब रूममेट थे तो फ़ोन किया सुबह, जाना था हमको 7 बजे मैच। वेकअप कॉल प्लीज। कहना वेकअप कॉल? यस सर। व्हाट टाइम? 6:45। मैं कहा बजू एक रिमाइंडर दे दे। ओ यस मैम, रिमाइंडर एट 4:65 प्लीज। सो मैंने कहा ये कौन सा टाइम है भाई? कहता वो क्या की बोलना रिमाइंडर? मैं कहा रिमाइंडर बोल 6:50। कहता अच्छा अच्छा 6:50 रिमाइंडर भी 4:65। दैट वाज हरभजन सिंह टाइम। बच्चू अच्छा बड़ा सीरियस हो गया फादर बनने के बाद। हाँ एक्चुअली थोड़ा फैमिली टाइम में भी बड़े चेंज मैन। बेटी के साथ घर में बच्चा हो तो खुशी अलग ही होती है। तो अब ये बताइए कि ज़्यादा मुश्किल किसको फेस करना है, ब्रेटली की क्या का बाउंसर के बीवी की गुगली? सी ब्रेटली वुड बोल यू 2 शॉर्ट बॉल्स एंड हैड टू पिच यू अनदर 4 टू गेट यू आउट। ओके हियर द वाइफ बोल्स यू 6 बाउंसर्स। There is no warning from the umpire. Wife is in charge. Wife is the bowler and the umpire. And bowler and the umpire, she is setting the field. Dude, there is short leg, there is silly point, there is 3 sims, backward short leg. And sometimes she doesn't even let you hold a bat. हाँ, she might say इसका bat ले, इसकी helmet भी ले लो, box भी ले लो. So basically, wife is in charge. Today is the only time that they are sitting and listening. Yes, hard. They don't leave us. Alone, they don't trust us. इनको पता है, इनको मालूम है कि हमारे बारे में कुछ गॉसिप करेंगे इनके साथ, इनको अकेले बात ही ना करने दो। देख कैसे घूम रही है दोनों।
I want to ask you one question. How does it feel to be married to a Punjabi woman? Sardarni. Nahi Punjabi to main bhi hai, but like a proper Sardarni. Proper Sardar. Thankfully, I had a lot of practice how to deal with them because of hanging with you and Angad Bedi. मैं समझ गया था कि ये पिच जो है इसमें क्रैक्स भी हैं, टर्न भी है, क्रैक्स बहुत हैं. And also your wife has a lot of knowledge about cricket. What do you want to say on that? She's very knowledgeable, as is your wife. Dude, my wife is a bible of cricket. Ask her any question. She was born in Lords. Yeah. She'll ask me what's the score. I'll tell her oh, we're 5-0. Oh, baby, that's very good. So, yeah, she's hilarious. It's good to have somebody who doesn't have a clue about sport. It helps though, no? It really helps. It yeah. actually makes you laugh and because. If I tell my mom, we are 5-0. Oh, कैसे खेल रहे हो? Yeah, boy. My wife says, oh, happy for you. Guys doing well. So it actually like, you know, lightens you up. You're like, yeah, it's so cool. I think she's understanding now. I think I'm coming back. As your wife talks about yorkers, full balls. Should we just do it? Where's your phone? Let me take her. Huh? Yorker? Are you Googling a yorker? Just to be sure that I got it right. I want to hear her version. Yeah, her version. वो ना तो वो balls यहाँ पर ही ना that. इधर से when it comes like that and then it comes like that and like that. Yeah. And that's gone. Yeah. should we get a coffee and go to the terrace and enjoy the view? बाकी वो डाना यार. Third view रही है. वो ऊपर जाने रही है. You realize one thing, no? What? That if you do this and she doesn't answer correctly and we laugh at her and people laugh at her, everybody will be laughing, but who will be crying later? You. Not me. Me. You. So when do I not cry? मैंने इतना सिखाया और फिर उसके बाद I'm very upset that. काला चश्मा? काला. This is light. काला चश्मा लेके आया ना? Here come the man in black. Sorry.